नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वहीं अब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोकल ट्रेन को आम जनता के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 15 अगस्त से मुंबई लोकल में उन लोगों को यात्रा करने की इजाज़त दे दी है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है और उन्हें दोनों खुराक लिए 14 दिन पूरा हो गया हो। दोस्तों, आज रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लाइव संबोधित किया। उन्होंने कहा, एक साल पहले हमने सोचा था कि एक साल में कोविड चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी कितनी लहर आनी बाकी है ये पता नहीं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से मुंबई की लोकल ट्रेन सर्विस शुरू कर दी जाएगी, लेकिन लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए केवल उन लोग को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रेन पास डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे शहर के नगर पालिका वार्ड कार्यालयों के साथ साथ उपनगरीय रेलवे स्टेशनों से फोटो पास ले सकते हैं। आखिर दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। मुंबई लोकल ट्रेन में आम पब्लिक को 15 अगस्त के दिन यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन लोकल ट्रेन में अनुमति दे दी गई। दोस्तों, और भी जैसी मुंबई लोकल ट्रेन को लेकर कोई खबर आती तुरंत अपडेट करेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले महाराष्ट्र मुंबई की ताजा खबरों के बारे में। थैंक यू।